क्वेश्चन नंबर 14, लेट एफ आर मैप्स टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके 11th क्लास जैसे ही है, आपको एफ एक्स दिया है, एफ एक्स की जो भी वैल्यू है ये आपकी रेंज है, ये आप जानते ही हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, तो हमें ये पता है कि जो कॉस एक्स रहता है ये 1 और -1 के बीच में लाया करता है, इसकी जो रेंज होती है वो -1, 1 होती है इन क्लोज इंटरवल। अब हमें क्या करना है, इस कॉस एक्स को 1/2 - cos x की तरह बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको आप, पहले आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -cos x। अब माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो -1, और साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू। बात वही है, देखिए आप ये आपका वही लिखा है, -cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। देन उसके बाद आपको 2 - cos x करने के लिए तीनों साइड 2 को प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपने +2, उसी तरह यहाँ पे भी +2 किया, और फाइनली यहाँ पे भी +2 किया, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, +2 - 1 = 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 - cos x लेस देन इक्वल्स टू 3। अब इसको आपको फ्रैक्शन में करना है, अब इसको यदि आप फ्रैक्शन में करेंगे तो एक बार और आपका साइन चेंज हो जाएगा, 1/2 - cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब आप देख लीजिए ये ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 और लेस देन इक्वल्स टू 1, और यही चीज़ वापस यहाँ पर आ रही है, तो इसका इंटरवल क्या है, 1/3 और 1। सो रेंज ऑफ द फंक्शन 1/3, 1 क्लोज इंटरवल में, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट एन बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन अ रिलेशन आर इन जेड एज फॉलोज, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू जेड, ए रिलेटेड टू बी ए आर बी इफ एंड ओनली इफ a - b इज डिविजिबल बाय n, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ बोल रखा है आपका n क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जेड प्लस, तो इस जेड प्लस में कोई सी फिक्स्ड वैल्यू जो आपको अच्छी लगी वो आप ले लीजिए, ये समझ लीजिए। अब इन्होंने बोला है कि रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, इसके लिए आपको रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ये बताना पड़ेगा, उसके बाद सिमेट्रिक है ये बताना पड़ेगा, और एट लास्ट ट्रांजिटिव है ये बताना पड़ेगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि इसका डुप्लीकेट होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बोला a, b बिलोंग्स टू जेड, अब रिफ्लेक्सिव केस में क्या होना चाहिए, आपका डुप्लीकेट एलिमेंट अगर यहाँ a है तो b की जगह भी a होना चाहिए। सो हियर वी कैन सी दैट a - a इज इक्वल्स टू 0 विच इज एन इंटीजर, 0 भी आपका इंटीजर है और 0 सारे नंबर से डिविजिबल होता है। ऑल्सो 0 इज डिविजिबल बाय एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे अगर आप a रिलेटेड टू a करते हैं आपको मिल रहा है a - a विच इज इक्वल्स टू 0, इट इज डिविजिबल बाय n, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपकी एक चीज़ हो गई। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के केस में हम क्या करते हैं, पहले a, b बिलोंग्स टू जेड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, a, r, b अगर a रिलेटेड टू b है तो a - b डिविजिबल बाय n होगा, नो डाउट, पर b - a होगा, बट b - a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए।
मान लीजिए कि मैं एन को लेता हूँ 2, ए को मैंने लिया 6 और बी को लिया 4, तो 6 माइनस 4 क्या है आपका 2, 2 डिविजिबल है 2 से, बराबर है। अब मैंने 4 माइनस 6 लिया तो माइनस 2, इवन माइनस 2 भी डिविजिबल है। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को आगे पीछे करते हैं, इनकी अदला बदली करते हैं, तो भी ये एन से डिविजिबल होंगे, नो डाउट। इसीलिए दिस इम्प्लाइज एस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, सो माइनस बी माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन, एट लास्ट बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन, सो बी इज रिलेटेड टू ए, दिस इम्प्लाइज इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ हटा दीजिएगा, ये आखिरी में लिखनी थी। अब इसके बाद एट लास्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ए का भाई बी, बी का भाई सी, तो ए और सी भी भाई भाई होंगे, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दो रिलेशन लेता हूँ, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज, उसी तरह दूसरी रिलेशन मैंने ली, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, तो बी रिलेटेड टू C implies B minus C is divisible by N। अब यदि मैं इन दोनों चीज़ों को प्लस करता हूँ, A minus B plus B minus C, तो मुझे क्या मिल रहा है, A minus C, तो A minus C भी क्या होगा, is also divisible by N। देखिए इसको भी आप एग्जाम्पल समझिए, मैंने ए को ले लिया, इस बार मान लीजिए 8, बी को ले लिया 6, सी को ले लिया 4। अब ए माइनस बी क्या हो रहा है आपका, 8 माइनस 6 मतलब कि 2, बी माइनस सी कितना हो रहा है आपका, 6 माइनस 4 ये भी 2, और एट लास्ट ए माइनस सी ये क्या हो रहा है आपका, 8 माइनस 4 इट इज़ 4। अब देख लीजिए 2 2 4, ये तीनों की तीनों चीज़ें एन से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है अगर मैं n को 2 लेता हूँ तो। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है, therefore a minus c is also divisible by n, this implies a is related to c, a c का भाई है, ये हमने पेश कर दिया कोर्ट के सामने, so it is transitive। तो from 1, 2, 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, डिफाइन रिलेशंस ऑन ए विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बींग, पहला पार्ट है इसमें रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, आपको ए दिया है सेट ए 1, 2, 3, 4, अब इसमें रिलेशन जो बनेगी वो रिफ्लेक्सिव कब होगी, जब 1, 2, 3, 4 इन सब के डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने रिलेशन ली आर, इस रिलेशन में यदि मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 ये करता हूँ तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई। अब उसके बाद सिमेट्रिक ना हो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मैं 1, 2 लेता हूँ तो मैं भूले से भी 2, 1 नहीं लूँगा, नहीं तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगी। अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें 1, 2 ए कॉमा बी ऐसा आ रहा है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं। इसको अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो भी आपको 1, 1 ही मिलेगा, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है 1, 2 में, अगर आपने ऐसा एलिमेंट लिया है तो आप गलती से भी 2, 1 मत लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए।
अब ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव कब होगा? अगर 1,2 है उसके बाद 2,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव होगा। उसी तरह से इसका बी पार्ट सिमेट्रिक हो पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो पहले तो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना आए और साथ ही साथ रिलेशन वाले एलिमेंट्स ए बी बी सी ए सी ये ना आए। ये तो बहुत सिंपल है, आप एक रिलेशन लीजिए 2,3 और 3,2, ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। देखिए इसमें 2,2 भी नहीं आ रहा है, 3,3 भी नहीं आ रहा है। और इवन आपका रूल होता है रिफ्लेक्सिव के लिए कि जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट में हैं उन सबका ट्यूपलेट डुप्लीकेट एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। और यदि यहाँ पर 2,3 है, 3,2 है, तो अगर 2,2 होता तो ये ट्रांजिटिव होती, पर ऐसा भी नहीं आ रहा है, इसीलिए ये ओनली सिमेट्रिक है। फिर सी पार्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहली चीज़ तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ही लिखना पड़ेगा। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होती है। उसके बाद सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो एकाधी एलिमेंट आप सिमेट्रिक बता दीजिए, 1,2, 2,1। अब आप देखिए ये आपकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। रिफ्लेक्सिव क्यों? क्योंकि आपके जो भी एलिमेंट्स थे 1,2,3,4 उन सबके ड्यूप्लेट्स आपने पेश कर दिए। उसके बाद आपने 1,2,2,1 किया तो ये सिमेट्रिक हो गई, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये खुद में सिमेट्रिक होती है। अब ट्रांजिटिव यहाँ पर आप देखिए 1,2 है, 2,1 है, तो आपको 1,1 मिल रहा है बराबर, यहाँ पर मिल रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी है। आपने ए बी और बी सी लिख रखा है तो आपको ए सी को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए सी बराबर आपको मिल रहा है 1,1। आपने 1,2 लिखा, 2,1 लिखा, तो 1,1 क्या है आपका? ए सी है। ये आपका ए, ये बी, ये बी, ये सी, तो ये ए और ये सी देख लीजिए आप, ए और सी 1,1 आपको बराबर मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों हो गई। ये आपका आंसर है। इसको आपको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए उन्होंने आपसे पहले बोला था रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। आपको सेट ए दिया था 1,2,3,4। आपने जब इसकी रिलेशन बनाई तो रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ड्यूप्लेट या आपके लिए डुप्लीकेट हमशक्ल हो। तो यहाँ पर आप देखिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि मैं इन तीन एलिमेंट्स को नहीं लेता हूँ, इन तीनों को मैंने काट दिया। अब अगर आपकी रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 होती तो ये रिफ्लेक्सिव भी होती, सिमेट्रिक भी होती और ट्रांजिटिव भी होती। रिफ्लेक्सिव तब समझ गए, डुप्लीकेट्स आ गया। अब सिमेट्रिक क्यों होती? क्योंकि 1,1 है तो इसका उल्टा 1,1 ही होगा, 2,2 है इसका उल्टा, इसके अदला बदली करोगे तो आपको 2,2 मिलेगा। 3,3, 4,4 के लिए भी ऐसा ही है। अब ट्रांजिटिव के लिए रूल क्या होता है कि आपके पास यदि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, अगर ये चीज़ है, दोनों चीज़ दे रखी है, तो फिर आपको ए कॉमा सी को पेश करना है। अगर आपके पास ओनली ए कॉमा बी होता, बी कॉमा सी नहीं होता, तो फिर आपको ए कॉमा सी पेश करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। तो ए कॉमा बी अगर अकेला लिखा है तो ये आपका ट्रांजिटिव बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए 1,1 लिखा है, इसका कुछ रिलेशन किसी चीज़ से है ही नहीं, क्योंकि इसका आप उल्टा करेंगे तो भी आपको 1,1 ही मिलेगा। तो ये अकेला तीनों चीज़ है, अगर आप इसको अकेला लेते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी है। और इसके ऐसे एलिमेंट्स, ड्यूप्लेट एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं 3-4 एलिमेंट्स, 5-6 जितने आपको लेना ले लीजिए, तो वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब 1,2 लिया तो 1,2 अगर है तो 2,1 होना चाहिए, ये बताने के लिए कि आपकी रिलेशन सिमेट्रिक है। क्योंकि ऊपर के अगर चारों एलिमेंट्स होते तो ये तो सिमेट्रिक होती, पर यहाँ पर क्या है 1,2 आ गया, तो 1,2 अगर आ रहा है तो 2,1 होना चाहिए। उसी तरह 2,3 आ रहा है तो 3,2 होना चाहिए, 1,3 आ रहा है तो 3,1 होना चाहिए। अगर ये सब होता तो जाके ये सिमेट्रिक होता,
अगर आप इसमें से एक एलिमेंट भी छोड़ देते हैं, मान लीजिए मैंने 1,3 का 3,1 छोड़ दिया, तो भी ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर आप 3,1 लिख के यहाँ पे 3,2 छोड़ देंगे तो भी ये सिमेट्रिक नहीं है। आप 3,2 लिख के 2,1 छोड़ देंगे तो भी ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब आपके पास यदि ए बी है तो आपको बी ए बताना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। ड्यूप्लेट एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, दो एलिमेंट जो अलग अलग है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट ये ट्रांजिटिव है, कैसे, आपके पास 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 आपके पास होना चाहिए। जो एलिमेंट दूसरे नंबर पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए आप 2 आ रहा है, तो ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, 1,2,2,3, तो 1 और 3 साथ में होना चाहिए। तो देखिए आप 1 और 3 बराबर यहाँ पर आ गया। और अब बाकी एलिमेंट्स को भी देखिए, यहाँ पर यदि मैं 1,1 लेता हूँ तो 1,1 और उसके बाद यही वाला 1 यहाँ पर आ गया, तो 1,2, तो 1,2 आपको बराबर मिल रहा है दिस रिलेशन इट्सेल्फ, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। उसी तरह से यदि मैं 2,3 और 2,2 को देखूँ तो आप देखिए 2,2,2,3, तो 2,3 आना चाहिए, तो 2,3 यहाँ पर आ गया बराबर। उसी तरह से 1,1,1,3, तो 1,3 आना चाहिए, तो 1,3 इधर ही आ गया एज इट इज, ठीक है। इसीलिए आपको ड्यूप्लेट एलिमेंट्स में ट्रांजिटिव पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके दूसरे पार्ट में फिर उन्होंने बोला सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो ये तो बहुत ही सिंपल था। आपको अगर ये बताना है कि आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सेट में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें से किसी भी एक एलिमेंट का डुप्लीकेट एलिमेंट मिस कर दीजिए। मतलब यहाँ पे 1,1,2,2,3,3,4,4 लिखा है, तो अगर आप 4,4 भी मिस कर देंगे तो भी ये काफ़ी है बताने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये अगर मैं लिखता हूँ तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4,4 मिसिंग है। उसी तरह से ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2,3 आ रहा है, 3,2 आ रहा है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो ए सी होना चाहिए, तो 2,2 मिसिंग है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। और एट लास्ट ये तीनों है, तो तीनों में तो अगर आप चाहें तो ये 1,2 मिटार के 1,1,2,2,3,3,4,4 लिख दीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, पर मैंने यहाँ पे 1,2,2,1 जानबूझ के लिखा है ताकि आपको ए बी बी सी ए सी रिलेशन से समझ में अच्छे से आए। इस तरह से आपको थर्ड वाले को भी करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसकी आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एज फॉलोज, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ये भी आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है, 12th क्लास जैसा क्या है, ऑल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो पहले इसका रेंज डोमेन हम फाइंड कर लेते हैं, आपको दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41, आप इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ पॉइंट करके इसको लिख दीजिए आप डोमेन और इसको पॉइंट करके रेंज। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 41 2x प्लस वाई में, और x और y दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब x की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और y की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यूज। अब यहाँ पर आप देखिए कि x को आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं जिससे कि 41 मिले, आपका y मिनिमम 1 है तो आपको x को हद से हद 20 रखना पड़ेगा तो ही जाके आपको 41 मिलेगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 20, इतना आप समझ गए हैं। तो आपका डोमेन क्या हो गया, 1 से लेकर 20, तो डोमेन इज इक्वल्स टू 1,2,3 एंड सो ऑन अप टू 20। अब रेंज फाइंड करने के लिए आपको वापस से ये रिलेशन कंसीडर करना है। अब आप एक काम कीजिए, रेंज की भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उसके बाद फिर हम इसका जो ऑर्डर रहेगा वो देख लेंगे। तो आपको दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41, तो डोमेन की मिनिमम वैल्यू 2×1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41, दिस गिव्स वाई इज इक्वल्स टू 39, ठीक है। उसी तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू 20, यहाँ आपने एक्स इज इक्वल्स टू 1 रखा, ये मिनिमम वैल्यू थी और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो 2×20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41,
तो वाई इज इक्वल्स टू वन, रेंज की मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी वन। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं, आप एक काम कीजिए एक्स इज इक्वल्स टू टू रख के भी देख लीजिए, तो आपको ये क्या मिल रहा है, टू इंटू टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41, तो वाई इज इक्वल्स टू 37। एक्स इज इक्वल्स टू थ्री आप रखेंगे तो टू इंटू थ्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41, तो वाई इज इक्वल्स टू 35। मतलब आपकी रेंज किस तरह से मिल रही है आपको, ऑड नंबर्स के हिसाब से। तो आपकी रेंज क्या हो गई, वन, सबसे आखिरी में क्या आ रहा था, 39, 39 के पहले 37, उसके पहले 35, तो यहाँ पे 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से आपकी रेंज बन जाएगी 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 39। ये आपका आंसर है, ये रेंज हो गई और ये डोमेन हो गया 1 से लेकर 20 तक। ये चीज़ आप कर चुके थे 11th क्लास में, इसके से क्वेश्चंस भी थे आपको। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, आपकी रिलेशन क्या बन रही है, पहले आप ये लिख लीजिए। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, डोमेन की मिनिमम वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू 1 के लिए आपको रेंज की वैल्यू मिल रही थी 39, उसी तरह 2 के लिए 37 एंड सो ऑन, ऐसे 20 के लिए आपको मिल रहा था 1। आपकी रिलेशन इस तरह से बन रही है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल है नहीं। आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे रेंज में आपको ऑड एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप 2 ले रहे हैं डोमेन से तो आपको 2 कहीं नहीं मिल रहा है रेंज के अंदर, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। हियर 4,4 और एक एलिमेंट ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 2,2, 4,4, 6,6 कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए उसके बाद सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको, अगर 139 है तो 39 1 होना चाहिए, पर आप देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू 20 है तो 39 तो आता ही नहीं है, सवाल ही नहीं बनता है। हियर मैक्सिमम ये सिमेट्रिक होता अगर 139 और साथ ही साथ 39 1 होता, पर यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही है, इसीलिए इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। और एट लास्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए 21 आ रहा है, 139 आ रहा है, तो 20, 39 होना चाहिए। ये आपका ए, ये बी, ये बी, ये सी, 21, 139, तो ए सी मतलब 20 और 39 ये होना चाहिए, पर 20, 39 तो होगा नहीं, क्योंकि 20 पे आपकी वैल्यू जो मिल रही है रेंज की वो 1 है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हियर 20, 39 इन आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं है ये। ये आपका आंसर है दूसरे पार्ट का, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव।